बाइट एनएफसी वन कार्ड एंडलेस पॉसिबिलिटीज। सबसे पहले अगर आपके पास प्री प्रिंटेड एनएफसी कार्ड है, तो अगर आपका फोन मोबाइल फोन है वो एनएफसी सपोर्टेड है, तो या तो मोबाइल के साथ आप एनएफसी कार्ड को टैप कीजिए या फिर जो कार्ड में क्यूआर कोड प्रिंट है उसको स्कैन कीजिए। जैसे ही आप बाइट एनएफसी कार्ड को मोबाइल के साथ टैप करते हैं या फिर क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन आएगा साइन अप फॉर्म यानी न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है और पासवर्ड ऐड करना है। तो जैसे ही आप ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और आपको अपने बिजनेस डिटेल ऐड करने के लिए एक फॉर्म ओपन होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं वही ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप बाइट कार्ड और बाइट सीआरएम में लॉग इन करके यूज कर सकते हैं। यानी कि आप अगर बाइट कार्ड में जाते हैं या बाइट सीआरएम में जाते हैं, तो आपको वहां पर वापस अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, आप यही ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें बिजनेस डिटेल ऐड करनी है, तो हमें क्या, सबसे पहले हमें जो ऑप्शन ऊपर शो हो रहा है वो है कंपनी का, मुझे लोगो अपलोड करना है, कंपनी का नेम एंटर करना है, मेरा नेम, फिर अगर आपका डेजिग्नेशन है तो वो ऑप्शनल में है, कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कीजिए, व्हाट्सअप नंबर ऐड कीजिए और बिजनेस एड्रेस ऐड कीजिए। और जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे बाइट एनएफसी के एडमिन डैशबोर्ड पर, जहां पर आपको फोर कॉल टू एक्शन शो होगी। फोर कॉल टू एक्शन यानी कि जब कार्ड आप मोबाइल के साथ टैप करते हैं या कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, तो आपको कौन सी एक्शन कॉल करवानी है ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो चार जो आपको कॉल टू एक्शन है उसमें सबसे पहले है आपका जो सब डोमेन यानी मिनी वेबसाइट है उस पर रिडायरेक्ट करवाना। यानी कि एक देखिए, जैसे ही आपने साइन अप किया आपका एक सब डोमेन क्रिएट हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने अपने कंपनी नेम में ऐड किया था बाइट एनएफसी, तो मेरा सब डोमेन बन गया बाइट एनएफसी 1.bytecard.in। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस नेम है एनएफसी शॉप, तो क्या हो जाएगा, nfcshop.bytecard.in। यानी जो भी आपका बिजनेस नेम होगा वो आपका सब डोमेन बन जाएगा और जो भी कस्टमर है वो मोबाइल के साथ आपका बाइट कार्ड टैप करेगा या फिर क्यूआर कोड स्कैन करेगा, तो आपकी जो ये मिनी वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है लिंक टू यूआरएल, यानी कि जो भी लिंक आपने यहाँ पर ऐड की होगी वो यूआरएल जो जैसे क्यूआर कोड स्कैन होता है या फिर जो एनएफसी कार्ड है वो मोबाइल के साथ टैप होता है, तो वो लिंक ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर आपके कोई सोशल मीडिया की लिंक ऐड कर दी या फिर कोई YouTube का वीडियो की लिंक ऐड कर दी, तो ऑटोमेटिकली जब भी कस्टमर बाइट एनएफसी कार्ड जब टैप करेगा या फिर क्यूआर कोड स्कैन करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो कस्टमाइज लिंक ओपन हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन है पर्सनल पेज। पर्सनल पेज यानी आपका एक कस्टमाइज लैंडिंग पेज आपका क्रिएट होगा, जहां पर आपने कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल, लोकेशन, वेबसाइट, गूगल रिव्यू, ब्रोशर, सेव कॉन्टेक्ट, कस्टमाइज लिंक, ये सभी ऑप्शन आपने ऐड किए होंगे। तो वो ऑप्शन आपको जैसे ही कोई यूजर है वो एनएफसी मोबाइल सपोर्टेड के साथ आपका एनएफसी कार्ड टैप करेगा या क्यूआर कोड स्कैन करेगा, तो वो आपका पर्सनल पेज शो होगा। जो आप ये थ्री डॉट देख रहे हैं वहां पर क्लिक करके आप वो सभी कॉल टू एक्शन ऐड कर सकते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन है पर्सनल पेज आइटम, यानी समझ लीजिए हमने जो नाइन पर्सनल पेज में नाइन कॉल टू एक्शन हमने ऐड किए, पर फॉर एग्जांपल अभी आप कोई एक्सपो में है, तो एक्सपो में आपको पूरी बिजनेस प्रोफाइल नहीं दिखानी, आपको सिर्फ अपना ब्रोशर ही डाउनलोड करवाना है, तो आप ये पर्सनल पेज पर जाके सिर्फ वो ब्रोशर डाउनलोड सिलेक्ट कर लिया, तो अब अगर कोई भी यूजर है वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा या फिर मोबाइल के साथ एनएफसी कार्ड टैप करेगा, तो आपका जो पर्सनल पेज आइटम है ब्रोशर डाउनलोड की कॉल टू एक्शन वो कॉल होगी और ब्रोशर डाउनलोड हो जाएगा। यानी कि आपका क्यूआर कोड सेम रहेगा, आप जब भी चाहे अपनी जो कॉल टू एक्शन आइटम है वो एडिट कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आपका क्यूआर कोड कहीं पर भी हो आप उसकी डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। तो हमारी अब हम वन बाय वन जो हमारी फोर कॉल टू एक्शन है उसमें हम जाते हैं। तो फर्स्ट कॉल टू एक्शन है मिनी वेबसाइट यानी सब डोमेन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, www.bytecard.in पर जाना है, आपको सेम यही ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है।
तो वहां पर आप सब डोमेन, होम, अबाउट, प्रोडक्ट, वीडियो, कॉन्टेक्ट, डाउनलोड, इंक्वायरी, सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल, सोशल मीडिया लिंक्स, ये सब आप एड एडिट डिलीट कर सकते हैं, और वहां पर जैसे पब्लिश करेंगे इस हिसाब से आपकी एक वेबसाइट, मिनी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि कोई यूजर मोबाइल टैप, मोबाइल के साथ आपका बाइट एनएफसी कार्ड टैप करेगा या क्यूआर स्कैन करेगा, तो ऐसी आपकी एक मिनी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सेकंड कॉल टू एक्शन है कस्टमाइज लिंक, जो आपने लिंक एंटर की होगी वो ओपन होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको जो सेकंड है वो क्लिक हियर टू सिलेक्ट, यानी आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर थ्री डॉट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप शो ओपन होगा, वहां पर आपको वो कस्टमाइज जो भी आपको लिंक है वो एंटर करनी है। तो जैसे कार्ड टैप होगा या क्यूआर कोड स्कैन होगा वो लिंक ओपन हो जाएगी। थर्ड कॉल टू एक्शन है पर्सनल पेज, तो उसके लिए आपको पहले थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फिर उसमें जो ये सभी कॉल टू एक्शन ऐड करने के लिए थ्री डॉट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक पर्सनल पेज शो होगा। वहां पर दो ऑप्शन है कि जो भी आपने ये कॉल टू एक्शन ऐड की है वो आपको ग्रिड व्यू में दिखाना है या लिस्ट व्यू में दिखाना है, तो यहाँ से आप वो व्यू टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये प्लस जो आपको डाउन साइड दिख रहा है वो प्लस बटन पर ऐड करके आप ये सभी कॉल टू एक्शन ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने प्लस बटन पर क्लिक किया आपको एक ऐसा फॉर्म शो होगा, सिलेक्ट ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो होगा कि भाई आपको कौन सी कॉल टू एक्शन आइटम ऐड करनी है, व्हाट्सएप कॉल, लिंक, लोकेशन, ईमेल, डाउनलोड, सेव कॉन्टेक्ट, रिव्यू, वेबसाइट, ये सभी आप कॉल टू एक्शन ऐड कर सकते हैं। मोर देन वन आप जितनी बार सिलेक्ट करेंगे उतनी बार आप ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जब आप ये सब ऐड कर देंगे तो इसका जो लिस्ट व्यू है पर्सनल पेज वो आपको जो थर्ड स्क्रीनशॉट दिख रहा है फ्रंट साइड व्यू ऐसा शो होगा, जहाँ पर ऊपर आप पर कंपनी का लोगो, आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, आपका कंपनी नेम और ये सभी आपको कॉल टू एक्शन शो होगी। उसके बाद है ऐड कॉल टू एक्शन, यानी समझ लीजिए जब आप प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अगर आपको व्हाट्सअप नंबर ऐड करना है तो आपको सिलेक्ट करना है व्हाट्सअप, आपको टाइटल सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप शो लिखा है तो फ्रंट में लेबल शो होगा व्हाट्सएप, अगर यहाँ पर लिखा होगा कि चैट विथ अस तो वहां पर फ्रंट में शो होगा चैट विथ अस। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर ऐड करना है और जैसे सेव करेंगे एडमिन साइड इस तरह से लिस्टिंग आ जाएगा। ये जो राइट साइड मैंने डॉट डॉट करके सर्कल किया हुआ है इससे क्या होगा कि जब लिस्टिंग में मोर देन वन आइटम है, यानी समझ लीजिए पांच कॉल टू एक्शन आइटम ऐड किए, फिफ्थ नंबर पर है रिव्यू वो आपको सबसे पहले दिखाना है तो आपको क्लिक करके ऊपर ले जाना है, तो फिर उसका जो लिस्टिंग में ऑर्डर व्यू है वो सबसे पहले रिव्यू शो होगा। तो इसी हिसाब से कॉल ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको प्लस बटन पर क्लिक करना है, तो ऐड जैसे बटन पर क्लिक करते हैं सिलेक्ट कॉल, एंटर लेबल, एंटर नंबर और सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एडमिन लिस्टिंग में शो हो जाएगा। उसके बाद कॉल टू एक्शन है लिंक, तो सिलेक्ट कीजिए लिंक, उसके बाद एंटर लेबल कीजिए, तो मैंने एंटर अभी आप डेमो में देख सकते हैं मैंने डिजिटल कार्ड लिखा हुआ है और एंटर लिंक में मेरी जो डिजिटल कार्ड की लिंक है सब डोमेन byte.nfc.bytecard.in ऐड किया तो ऑटोमेटिकली वो आपको लिस्टिंग में दिख रहा है। उसके बाद है लोकेशन, तो मैंने लोकेशन सिलेक्ट किया, सिलेक्ट लोकेशन किया, वहां पर मुझे लेबल में मैंने ऐड किया सिर्फ लोकेशन एंड एंटर लोकेशन लिंक, तो मैंने लोकेशन लिंक ऐड की और सेव किया तो वो सेव हो गया। तो इससे क्या होगा कि जो भी मेरा कॉल टू एक्शन सेव हो सिलेक्ट किया होगा उस हिसाब से आइकॉन पर्सनल पेज फ्रंट साइड शो होगा, यानी लोकेशन सिलेक्ट किया होगा तो लोकेशन का आइकॉन आएगा, रिव्यू सिलेक्ट किया होगा तो रिव्यू का आइकॉन आएगा, साथ में उनकी कॉल टू एक्शन भी उसी हिसाब से होगी। फॉर एग्जाम्पल लोकेशन का आइकॉन होगा तो वो गूगल मैप में ओपन होगा, फॉर एग्जाम्पल रिव्यू होगा तो वो ब्राउजर में जाके ओपन होगा, ईमेल होगा तो वो ईमेल बॉक्स में डिफॉल्ट आ जाएगा, कॉल होगा तो वो डायल बॉक्स में आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऐड कॉल टू एक्शन है ईमेल, ईमेल सिलेक्ट किया, मैंने अपना लेबल एंटर किया और ईमेल आईडी एंटर करके सबमिट किया। उसके बाद है डाउनलोड, तो डाउनलोड करने के लिए मैंने डाउनलोड सिलेक्ट किया। अभी फॉर एग्जांपल मुझे ब्रोशर में रखना लेबल में रखना है ब्रोशर, तो आप ब्रोशर या लीगल डॉक्यूमेंट या प्लान जो भी आपके बिजनेस के हिसाब से आपने लेबल रखा, फिर आपने डॉक्यूमेंट या पीडीएफ अपलोड की और सेव किया। उसके बाद है सेव कॉन्टेक्ट, सेव कॉन्टेक्ट यानी जब भी कस्टमर सेव कॉन्टेक्ट पर क्लिक करता है उस कस्टमर के मोबाइल में आपका नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस ये सब डायरेक्टली सेव हो जाएगा, तो
यहाँ पर आपको सिर्फ टाइटल ही देना है। तो मैंने लेबल क्या रखा है, सेव कॉन्टेक्ट। तो जैसे ही सेव कॉन्टेक्ट करूंगा, आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स है वो सब वहां पर, जैसे कोई सेव कॉन्टेक्ट पर फ्रंट साइड पर क्लिक करेगा तो वो जो डिटेल्स है वो सेव हो जाएगी। देन एड रिकॉर्ड में रिव्यूज है, तो मैंने रिव्यू, मुझे एक लेबल रखना है और मेरी जो गूगल रिव्यू की लिंक है वो मैं यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर गूगल रिव्यू की डायरेक्ट लिंक है तो कस्टमर को गूगल रिव्यू में जाके मेरी कंपनी का नेम नहीं सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद लाइक नेम सर्च करके रिव्यू पर जाना होगा, फिर राइट रिव्यू। तो ये 3-4 स्टेप के बजाय डायरेक्ट अगर गूगल रिव्यू लिंक है तो जैसे ही क्लिक करेगा गूगल रिव्यू का फॉर्म ओपन होगा, सिर्फ 5 स्टार करके सबमिट किया तो आपको इस तरह से इजिली गूगल रिव्यू मिल सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट एंटर इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि एडमिन साइड आपने ये सभी कॉल टू एक्शन लेफ्ट साइड ऐड की वो लिस्टिंग है, और फ्रंट साइड के जो अगर आपका बाइट कार्ड मोबाइल के साथ टैप होता है या फिर वो कोई भी यूजर क्यूआर स्कैन करता है तो इस तरह से आपको पूरा लिस्टिंग शो होगा। लाइक व्हाट्सएप पर क्लिक किया तो व्हाट्सएप में रिडायरेक्ट हो जाएगा, कॉल पर क्लिक किया तो कॉल हो जाएगा, डिजिटल कार्ड क्रोम में ओपन हो जाएगा, लोकेशन लोकेशन ऐप में ओपन हो जाएगा। तो इस हिसाब से पूरा ये वर्क करता है। फोर्थ कॉल टू एक्शन आइटम है कॉल वन एक्शन फ्रॉम पर्सनल पेज। वन एक्शन पर्सनल पेज यानी कि जैसे मैंने बताया कि हमने 9 कॉल टू एक्शन ऐड की। अभी फॉर एग्जांपल आप कोई एक्सपो में है, वहां पर सिर्फ आपको ब्रोशर ही डाउनलोड करवाना है, राइट? तो आपने क्या किया, ये फोर्थ एक्शन सिलेक्ट की, 3 डॉट पर क्लिक किया तो आपको जो वो 9 आइटम्स है वो उसका लिस्टिंग आ जाएगा। वहां पर आपने सिर्फ सिलेक्ट किया डाउनलोड ब्रोशर, ब्रोशर पर सिलेक्ट कर लिया। तो फिर अब क्या होगा कि आपकी जो ब्रोशर कॉल टू एक्शन है वो सिलेक्ट करके आपने सेव किया है, तो अभी आपका क्यूआर कोड सेम है, आपका जो एनएफसी कार्ड भी सेम है। अब अभी वो कार्ड आप कोई एनएफसी सपोर्टेड मोबाइल के साथ टैप करते हो या फिर क्यूआर स्कैन करते हो तो डायरेक्टली जो आपका ब्रोशर है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो एक्सपो में अगर आपको वो ब्रोशर डाउनलोड करवाना है तो वो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मीटिंग में जा रहे हो तो आपने लाइक पर्सनल पेज सिलेक्ट किया तो आपका वो पूरा पर्सनल पेज सिलेक्ट आ गया। अभी फॉर एग्जांपल आपके रिसेप्शन पर आपको रिव्यू आपके बिजनेस में प्लस करवाना है तो यहाँ पर आपको कॉल टू एक्शन क्या सिलेक्ट करना है, रिव्यू। तो अभी जो आपका क्यूआर कोड को स्कैन करेगा या फिर वो जो एनएफसी कार्ड है वो मोबाइल के साथ टैप करेगा तो डायरेक्टली गूगल रिव्यू की लिंक ओपन हो जाएगी और कस्टमर इजिली आपको रिव्यू दे सकता है। तो इस हिसाब से ये फोर्थ कॉल टू एक्शन वर्क करता है कि हम पर्सनल पेज में हमने जितनी भी आइटम्स ऐड किए उसमें से कोई एक डायरेक्टली इंस्टेंट वर्क करे। थैंक यू। और लास्ट में हम देखते हैं कि ये एनएफसी कार्ड कैसे वर्क करता है। तो देखिए ये जो कार्ड है अगर आपका प्री प्रिंटेड है तो वो आपको उस हिसाब से आपकी डिजाइन होगी, अगर आपका कस्टमाइज लोगो है तो आपका लोगो आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा। टैप एंड शो कॉल टू एक्शन यानी पूरा पर्सनल पेज शो हो गया। टैप एंड गूगल रिव्यू यानी डायरेक्ट गूगल रिव्यू का फॉर्म ओपन हो गया। टैप एंड सेव कॉन्टेक्ट डिटेल्स यानी मेरे मोबाइल में कॉन्टेक्ट डिटेल्स सेव हो गई। टैप एंड शेयर लोकेशन यानी टैप किया लोकेशन ओपन हो गया। टैप एंड सेंड व्हाट्सअप यानी डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप में रिडायरेक्ट हो जाएगा चैट के लिए। टैप एंड डाउनलोड ब्रोशर टैप किया ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गई मेरा ब्रोशर। टैप एंड जो भी एनएफसी सपोर्टेड मोबाइल नहीं है तो वो क्यूआर स्कैन करके भी इजीली कॉल टू एक्शन कॉल कर सकते हैं। फिर जो आपकी मिनी वेबसाइट है तो वो टैप किया आपकी मिनी वेबसाइट ओपन हो गई जिसमें होम अबाउट अस प्रोडक्ट्स वीडियोस पेमेंट डिटेल्स सर्टिफिकेट्स इंक्वायरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस हिसाब से आपकी पूरी मिनी वेबसाइट भी शो हो सकती है। थैंक यू।